एकदम जैसे ही बाहर को आया तो सीधे भाई मतलब देखिए होली से क्या था रंग दिया मेरे को। बोलो भाई बोल रहा है इसमें मजा तो अच्छा है पर टमाटर लहसुन धनिया नींबू है गाइज गुड मॉर्निंग वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। आई होप गैज आप लोग सब बढ़िया होंगे एंड मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। एंड गैज आज मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है गैज हल्द्वानी से राधा कृष्ण के मंदिर के सामने से आदर्श नगर कॉलोनी पे भाई लोग के रूम से। तो गैज लास्ट ब्लॉग पे आपने देखा गैज मैं गया हुआ था सौरभ जोशी के यहाँ पे, जो इंडिया के नंबर वन ब्लॉगर हैं मिस्टर सौरभ जोशी, तो वहाँ पे गया हुआ था यार मैं मतलब मिलने के लिए, बट वो मिले नहीं वहाँ पे मेरे को, घर पे थे या कहीं बाहर गए थे ये पता नहीं। वहाँ पे जो गार्ड थे उन्होंने भी बताया नहीं यार, उनसे केवल इतने ही पूछा कि अंकल बता दो बाहर गए हैं अंदर करके, नहीं तो अगर गए होंगे तो भाई चले जाएंगे हम, अगर अंदर होंगे तो वेट करेंगे, बट कुछ भी नहीं बता रहे थे। तो 3 घंटे मैंने वेट किया, भैया लोग भी आ रखे थे 3 पानी से, तो वो भी नहीं मिल पाए, मैं भी नहीं मिल पाया, बाकी आ गया था वहाँ से। एंड मैं रात में रुक गया था यहीं पे हल्द्वानी पे ही। मोहित भी आ रखा है गाइस, तो मोहित ड्यूटी से दिल्ली से आ रखा है, उसको 2-3 दिन हो गए अपने मतलब पेपर वेपर देने के लिए आ रखा था यहाँ पे कॉलेज के, तो वो भी जा रहा है अभी आज घर को, एंड मैं भी जा रहा हूँ, गोलू भी जा रहा है साथ में। तो गाइस तो देखिए यार यहाँ पे गुलाब, ये गाइस अभी ये देखिए ये मोहित भाई को देखिए, मतलब ये कल एक पैकेट मिल गया था ना किचन में रखा हुआ था, मैंने कब देखा ये देखिए तो कैसा भुजिया बना दिया मैंने सुबह सुबह। लौटो हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। तो गाइस तो यार एक नए लुक के साथ में फिर से मैं आ गया हूँ छत पे यार। तो गाइस मैं नीचे गया हुआ था वॉशरूम में ना यार गाइस, वहाँ पे भाई लोग भाई मतलब तैयारी पे थे बिल्कुल दरवाजे के वहाँ पे, तो उन्होंने एकदम जैसे ही बाहर को आया तो सीधे भाई मतलब देखिए होली से क्या था रंग दिया मेरे को। कल शाम में देखा मैंने उन्होंने किचन पे मतलब गुलाल वगैरह रखा हुआ था और फतौर की मतलब ऐसा कर दिया था सुबह सुबह। तो जैसे कि गाइस आप सभी को पता है कल से होलियाँ भी मतलब शुरू हो गई हैं, तो मेरी तरफ से अपनी पूरी यूट्यूब फैमिली को हैप्पी होली गाइस, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी लोगों को। से हम लोग गाइस तो यार देखिए फाइनली हम लोग निकल गए हैं अभी घर के लिए गाइस, यहाँ पे आदर्श नगर कॉलोनी से भाई लोग के रूम से। मैंने जैसे सुबह आपको बताया ना आज हम 3 लोग जा रहे हैं, मोहित दोनों एंड मैं, अभी चलते हैं थोड़ा लेना है सामान नहीं क्या लेना है मोहित भाई ने, थोड़ा तो मोहित भाई ने लेना है अगर अपने लिए मतलब कच्चा वगैरह और साग सब्जी वगैरह ले लिए। तो गाइस हम आ गए थे वहाँ से रूम से रास्ते से, एंड अभी हम खाना वाना खाया हमने बाकी मटर कर लीजिए पास में, थोड़ा सा हम पार्क में आ रहे थे यहाँ पे इंजॉय करने के लिए। और यहाँ पे गोलू भाई बोल रहा है इसमें मगरमच्छ अच्छा है पर गोलू भाई का मानना है एक टाइम में इसमें मगरमच्छ होते थे, पापा के साथ आया था। जो सभी लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं बढ़िया इसको इंजॉय करते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, तो मजे लेते हैं, तो चलिए चलते हैं यहाँ से। चार टमाटर, तो अभी हम आए हुए हैं यहाँ पे सब्जी मंडी, यहाँ से ले रहे हैं सब्जी का सब्जी भरते जाएंगे गाड़ी के पास में, गाड़ी भी ढूंढनी अभी गाड़ी का पता नहीं है, गाड़ी का बता दिए भाई गाड़ी आ गई करके। तो ये है पूरी सब्जी मार्केट, टमाटर लहसुन धनिया नींबू, देखिए गाइस ये है सब्जी मंडी, पूरी नीचे को सब्जी मंडी लगती है, यहाँ से पूरी मंडी है सब्जी मंडी गाइस, ये चेक कीजिए हल्द्वानी की। You chum baby, मैं ले रहा हूँ
टमाटर है, टमाटर प्याज आलू लहसुन धनिया अदरक है। सो गाइस अभी यार हम हल्द्वानी से आ गए थे घर को, हम रुके हुए अभी यहाँ पे थोड़ा कोन पे वही दक्ष रेस्टोरेंट पे यार, जहाँ पे हमेशा ही खाते। हवा चल रही थी तक जी ना गए, आवाज नहीं आ रही होगी यहाँ पे यार, मतलब यहाँ इतनी बार रुक गया हूँ मैंने, अभी तक नहीं देखा। यहाँ पे सिद्धि बाबा मंदिर भी है यार, ये चेक कीजिए कितना बढ़िया मंदिर है यहाँ पे सिद्धि बाबा का। तो बाकी हम तो खाना खा के आए हुए थे वहाँ से, बाकी हम चाय वगैरह पीते हैं एंड पकौड़े वगैरह खाएंगे। चाय पकौड़े बनाए हमने, बहुत जिले ने बुलाना, मतलब पकौड़ा पकौड़ा और अलोड़ा पकौड़ा। ये अभी अपनी यहाँ पे पकौड़ी वगैरह आ गई है एंड चाय वगैरह मस्त करके ठंडे हो रही है। गाइस बड़े बड़े बकरे से लाने गाइस, गरम तो था गरम यार। गाइस हम यहाँ पे पकौड़ी खा रहे, किसी को कहना हुआ था ये अच्छा ये पकौड़ी मजा आ रहा है। मोहित भाई देखो क्या मधुबन में मछलियाँ बेचने वाला, गाइस मैं तुम्हें अपने स्ट्रगल की कहानी बताता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ हल्द्वानी में आया, मैंने अच्छे का व्यापार किया, वहाँ से उठा मछलियों का व्यापार किया। दिमाग में एक सवाल आया, अभी नहीं कमाएगा तो बड़ा होगा क्या खाएगा मेरी जान। कहानी गाय देख रहे हो, समझे मजा आ रहा है, कहानी कहानी लिखता है बाबा ये कहानी बोलता है समझा। यार हम आ गए थे वहाँ से एंड हम अभी रुके हुए भीमताल में, यहाँ पे फुटा नहीं पता, यहाँ पे थोड़ा सा तेल वेल वगैरह भर रहे हैं ना ट्रैक्टर वगैरह के लिए, जोतने के लिए खोदने के लिए। आते रात हो जाते यार, घर में जाते हैं डेरे से आता और वापस खा लिया इस वजह से आए 2 बजे ना, घर में पहुँचते हैं रात हो जाती भाई साहब। आयो ढांचा उतारे खेलने के लिए फल खा दे रहे हो तब मुझे 15 साल पॉली हाउस है भाई। आज तो गए मतलब रात ही होने वाली भाई, तभी तो बोला घर में पहुंचेंगे, पर बहू ही वही बोलिए भाई तो आवाज़ खा लिया हेलो गाइस। तो यार फाइनली हम पहुंच गए यहाँ पे झांझर में एंड पीछे आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है गाइस। तो यहाँ पे थोड़ा सा सामान उतर रहे हैं यहाँ झांझर पे, पॉली हाउस की थोड़ा पन्नियाँ वगैरह थी तो वो उतर रही है, इस वजह से यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं थोड़ा उतरे हुए रास्ते में। लौटे मौटे फुल मस्ती कर रहे हैं मजे, फुल मस्ती। ए बाबा ए कॉपी वाले बाबा, ये बैकग्राउंड दिखा रहा गाइस बोले भाई या। सो गए यार फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने गांव में, अपने घर, अपने बुरासी, अपने घर तो गया मैंने, गुरु भाई ने तो अभी टॉप में चढ़ना है। बाकी मोहित भाई पहुंच गया डेस्टिनेशन पे। मोहित भाई बाकी आपको कंग्रेचुलेशन, आप अपने घर पहुंच गए इतनी रात को है, 11 बजे चले के 3 बजिया पहुँचे रात में घर, समझे समझे कैंटन लगा दिया। बाकी यहाँ पर से मोहित भाई जाएगा अपने घर एंड हम लोग जाएंगे अपने घर।